हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सोद सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ ताकि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें सो so, इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज दूसड बाय एप्पल कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी सो देखो आप सभी बोलते हो ना मुझे एप्पल का फोन लेना है मुझे आई लेना है तो बस यहाँ पर यही पूछा है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है ऑप्शन है लाइनेक्स विंडोज सोलर या फिर मैक अब इसको एक डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं जैसे आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो सब लोग है ना सो so, उसमें क्या होता है उसमें एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करते हो उसमें विंडोज टर्म यूज की जाती है विंडोज उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है वैसे ही एप्पल कंपनी के जो भी कंप्यूटर्स या मोबाइल्स होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है मैक दैट इज ऑप्शन नंबर फोर पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ जहां पर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही साथ ही उसी टॉपिक के एमसीक्यूज एंड पी क्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड रिविजन एमसीक्यूज है जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चन पूछे ही जा...

प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लेने पड़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, plus, plus मिल जाएंगे जाएंगे 5000 प्लस रिवीजन एमसीक्यूज जिसमें यूनिट वाइज सभी स्टेट्स पीवाई क्यूज को अरेंज किया गया है यूनिट वाइज प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, कोई भी डाउट है तो आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दर्ल्ड वाइड वेब www अब आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना होता है तो आप ऐसे लिखते हो ना www. डब्ल्यू डब्ल्यू या फिर facebook. डॉट तो ये क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोर्ड ऑन वेबसाइट्स अब वेब पेजेस और वेबसाइट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बहुत से नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है उसको डब्ल्यू बोलते हैं नहीं बोलते हैं हाइपर प्रोसेसर या फिर वेब वेब ब्राउजर सो करेक्ट आंसर है पर ऑप्शन नंबर दैट इज कलेक्शन ऑफ पेजेस पेजेस यानी कि छोटे छोटे को मिला करके एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसको एक्सेस करने के लिए हम डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एटीएम स्टैंड्स फॉर एटीएम सब लोग जाते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मनी मनी ट्रांसफर करते हैं एटीएम से नहीं करते ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड सो ये क्या है एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स व्हिच इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड व्हाट बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें कहा है कि किसी भी कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी लिंक्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो तो उसके लिए आपको कौन मदद करता है ऑप्शन है एच टी टी पी एच टी एम एल डब्ल्यू 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 यू आर एल देखो ये टर्म्स बहुत से बच्चों ने नहीं सुनी होगी इस चीज को और सिंपल करते हैं कि आप जब भी गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च करते हो आप वहां पर कोई भी टॉपिक लिखते हो जैसे अगर आप लोगों ने ग्लोबल ऑनलाइन लिख लिया तो आप क्या करोगे डायरेक्टली ग्लोबल ऑनलाइन सर्च करते ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी दूसरी वेबसाइट मिल जाएगी बहुत से ऑप्शन होंगे आप किसी में भी कुछ भी सर्च कर सकते हो यही पूछा है कि ये सर्चिंग में आपको कौन हेल्प करता है ओके सो यहाँ पर देखो हमेशा हम क्या लिखते हैं डॉट इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं ना तो करेक्ट आंसर यही है www इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वर्ल्ड वाइड वेब ओके एंड इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है कि यूआरएल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जरूर कमेंट करके बताइएगा देखो यहां पर और सिंपल करते हैं चीजों को ये पूरा एक यू आर एल होता है ये पूरा जो एक एड्रेस रहता है ये यू आर एल रहता है एच टी लिखा है वो भी पार्ट होता है ठीके? और एच टी एम एल जो है एक होती है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स ये हैं आपको सिर्फ उनका एक अरेंजमेंट बताना है वो भी डिक्रीजिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ओके, okay? so, देखो मैन, वैन एंड लैन बहुत सिंपल चीजें हैं तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं लैन मैन और वैन इनमें से सबसे छोटा नेटवर्क डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है यानी कि अवरोही क्रम यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ठीक है so, सो इसमें सबसे पहले आपको बड़ा नेटवर्क बताना है तो सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या होता है आप लोगों का जो इंटरनेट है आप अपनी नेटवर्क की अपनी सिम लेकर कहीं पर भी चले जाओ आप वहां पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन इज मैन मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होता है जैसे आप लोगों के आ, सिटी में केबल ऑपरेटर होता है वो क्या करते हैं है, है, तो है. और लास्ट में आता है लैंडलर्कफाई होता है जिसकी रेंज सिर्फ एक बिल्डिंग तक एक फ्लोर तक रहती है दैट इज कॉल्ड लैन सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया बी सी एंड ए अब देखो यहाँ पर फुल सबसे छोटा वैसे पैन होता है बड़ा मैन उससे बड़ा बैन ठीक है

कर सकते है? बिल्कुल गलत ऐसे डाउनलोड नहीं हो सकता लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जरूर होता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट इज इन आई सी टी विच वन ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकम्पेटेबल यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ फुल फॉर्म दी गई है आपको बताना है आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप लोग कई लोग कहते हैं हम बी एस एन एल यूज करते हैं कहीं एयरटेल कहीं जियो तो ये क्या है आपका आई एस पी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके यू आर एल अभी बताया इसके फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ब्लॉग वेब लॉजिक ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सो यहाँ पर ये तीन बिल्कुल सही फुल फॉर्म्स हैं गलत है सिर्फ ब्लॉग कंफ्यूज मत होइएगा जो आप लोग यूट्यूब पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर लोगों की डेली रूटीन और ये सब फॉलो करते हो ना ये ब्लॉग होता है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लॉग की ओके okay, दोनों अलग अलग चीजें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है हमें डब्ल्यू हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका इवोल्यूशन हो चुका है अभी ठीक है जिसमें वेब वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ एंड फाइव पॉइंट ओ आ चुका है इसको एक्सप्लेन करना है देखो पहला है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एक्शन एंड नॉलेज सो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 के बारे में सो हम सी को करेंगे फर्स्ट से मैच इस हिसाब से देखो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए है ना सी से फर्स्ट सिर्फ यहाँ पे है अगला फिर आ जाता है हमारे पास वेब 1.0 1.0 हमेशा बात करता है डेमोक्रेटाइजेशन की लेकिन उसके इंफॉर्मेशन एक्सेस को लेकर के और वेब थ्री पॉइंट बात करता है उसकी कैपेसिटी और एक्शन एंड उसके नॉलेज को लेकर के ठीक है सो यहाँ पर फर्स्ट को हम फोर्थ से मैच कर देंगे जो कि गिवन है अब देखते हैं वेब टू पॉइंट क्या बोलता है सो ये कहता है कि ये इसको ना आ, नाम दिया गया था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था वेब 2.0 अब रिसेंटली जो हम यूज कर रहे हैं वो है वेब 5.0 जिसमें कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो ह्यूमन की तरह काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो इमोशनल वेब कहलाएगा सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब वेब टू पॉइंट सेम क्वेश्चन है अलग तरीके से पूछा गया है स्टैटिक वेबसाइट होती है नहीं होती है इंटेलिजेंट वेबसाइट होती है बिल्कुल सोशल मीडिया एंड यूजर जनरेटेड वेबसाइट्स नहीं वेब 2.0 में ये चीजें नहीं आती हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये तो एक लैंग्वेज है ये तो ऑप्शन ही नहीं कंसीडर करेंगे सो इंटेलिजेंट वेबसाइट होती है वेब 2.0 नेक्स्ट इज A key logger is an example of what? So key logger, एक example होता है Trojan का spyware का bomb का या फिर logic bomb का आप लोगों ने virus का नाम सुना होगा ठीक है एक ऐसा software जो कि हमारे system को नुकसान पहुंचा सकता है तो key logger भी ऐसे ही किसी एक टाइप का एग्जाम्पल है ये सब वायरस से रिलेटेड चीजें जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं सो so, यहाँ पर की लॉगर इज रिलेटेड टू स्पाईवेयर Spyware, अगर नहीं पता क्या होता है तो मुझे ना कमेंट कर दीजिए अवेलेबल है मैं share कर दूंगी. One byte is equal to what? So, इसका आंसर तो देखो मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मैंने क्या बताया था सबसे छोटा क्या होता है बिट होता है देन वी हैव किलो बाइट इस तरीके से

ओके कमेंट करना है जरूर आपकी प्रिपरेशन के लिए ही ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू फ्रॉडलेंटली ऑपटेन अनदर पर्सन बैंक डिटेल्ड इज कॉल्ड व्हाट बैंक डिटेल्स इज कॉल्ड व्हाट सो देखो एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के बैंक में पैसे भेज दिए लेकिन वो कोई फ्रॉड था उसने गलत बैंक अकाउंट गलत नाम से अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया था इसको क्या कहा जाता है तो ये जितने भी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है फिशिंग फार्मिंग स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग इनको जरूर पढ़कर जाइएगा ठीक है सो इसमें करेक्ट आंसर है स्मिशिंग जब भी गलत बैंक डिटेल्स कोई पर्सन या गलत गूगल पे अकाउंट या अपना क्यू आर कोड आपको देता है कोई पर्सन ये बोलकर कि मैं आपका फ्रेंड हूं मुझे जरूरत है या ऐसा कुछ भी तो इसका मतलब है कि कौन सा फ्रॉड हो रहा है स्मिशिंग फ्रॉड हो रहा है ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट वन बोलती है चैट बोर्ड चैट बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस सो डिजिटल इंटेलिजेंस क्या होती है अब जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब डिजिटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वैसे ही चैटबॉट भी है बिल्कुल सही है एमेजोन का नाम सबने सुना है एमेजोन के अलेक्सा के बारे में सब जानते हैं सिमिलरली एपल का नाम भी सबने सुना है और एप्पल की सीरी जो सॉफ्टवेयर है उसको भी सबने सुना होगा ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल सही है ये दोनों डिवाइस इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपको पता है है ना लेकिन ह्यूमन जो है वो नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस वो चीजें होती हैं जो कि मशीन होती है ने बनाई है लेकिन वो बहुत एक्टिवली काम, काम करती है और जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उनको बहुत स्ट्रिक्टली और अच्छे से फॉलो करती है इट so, सो so, आप सभी स्टूडेंट्स ने इग्नू का नाम सुना होगा बहुत बच्चे इससे कोर्स भी कर रहे हैं बस ये पूछा है कि इसको कब स्टेब्लिश किया गया ऑप्शन है 1975, 1980, 1985 या फिर 2000. So, होगा ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज 1985 सो so, इग्नू को 20 सितंबर 1985 वाले दिन एस्टेब्लिश किया गया था एंड सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इसके लिए रिस्पांसिबल है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 सो so, देखो पहले ऑप्शंस पे भी नजर मार लो यहां से आपको एक क्लियर चीज समझ आ गई होगी कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है सो so, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के नाम से जानी जाती है ऑप्शन है तक्षिला मिथिला वल्लभी और नालंदा सो so, एक हिंट देती हूँ आंसर फटाफट बताना कमेंट करके हिंट ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहले इंडिया का पार्ट होती थी लेकिन अब विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है एंड इसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस थी ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज तक्षि यूनिवर्सिटी

charges of partiality can be avoided ठीक है so एक best institutional criteria set करना या फिर to provide fund for doing quality research research के लिए best quality का fund best quality की research हमें मिले इसलिए funds provide करना so बहुत easy question है correct answer क्या है एक पूरे overall India में

लेकिन इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया में जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनको कौन से ईयर तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे यानी कि बहुविश्यक संस्थान उनको बना देंगे ठीक है सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज 2030 तो so, ये एक टारगेट है एनईपी के अंदर एजुकेशन के जितने टारगेट है ना ये जरूर पढ़कर जाना एग्जाम में जरूर आते हैं नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सो इनका रीजनल सेंटर कौन सा है देखो यूजीसी के कितने टोटल सिक्स रीजनल हैं कहाँ कहां पर है वो पूछा गया है. पंजाब में राजस्थान उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ सो करेक्ट आंसर है आसाम अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि यूजीसी का हेड ऑफिस पर है एंड यूजीसी को कब काम में लाया गया था ओके कमेंट करके आंसर बताइए In so, िटी या फिर क्वालिटी तो क्या क्या चीज है प्रोवाइड करवाता है ये हमें देता है एक्सेस की कोई भी पर्सन बराबर लेवल का एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है दूसरा है इक्विटी सभी के लिए समान अधिकार अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नेशनल बोर्ड ऑफ एक्डिएशन (NBA) वॉज एस्टेब्लिश बाई UGC। क्या इसको यूजीसी ने स्टैब्लिश किया है हाँ या ना बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है so, बिल्कुल इसको इन्होंने ही ठीक है इसको यूजीसी ने नहीं वो किया था नहीं किया था स्टेटमेंट टू है नेशनलिबिलिटी होती है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस प्लस हर एक यूनिवर्सिटी को जो ये रैंक मिलता है वो नैक देता है लेकिन ये एस्टैब्लिश एआईसीटीई के द्वारा नहीं किया गया था तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशियंट यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशनड इन ट्वेंटी ट्वेंटी। सो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर किया गया था ऑप्शंस आर नालंदा तक्षशिला वल्लभी और विक्रमशिला ठीक है सिर्फ मिथिला के बारे में यहां पर बात नहीं की थी बाकी सभी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट या उनको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए इन सब के बारे में बात की थी सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एन ईपी ट्वेंटी ट्वेंटी हाउ मच परसेंटेज ऑफ लर्नर्स बाय ट्वेंटी

कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स को हम स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे ऑलमोस्ट अभी ये काम जो है आपका थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट तक कंप्लीट हो चुका है इससे भी ज्यादा में भी कंप्लीट हो चुका है सो so, अभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्टी ये इनका टारगेट है बहुत इंपॉर्टेंट है द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ फाइव ईयर प्लान वॉज टू वॉट सो फाइव ईयर प्लान है इसमें 1 2 3 4 5 हर एक सेक्शन को इसको पांच पांच साल में बांटा गया है इसमें कहा है कि ये जो फोर्थ ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था टू इंप्रूव दी स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश सपोर्ट स्पोर्ट्स कॉलेज इन यूनिवर्सिटीज सेट अप इंटरनेशनल कल्चर सेंटर्स इन सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज

अब आप लोगों को पता है कि हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है सो so, ऐसा कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने एक डिसीजन लिया है पिछले दो से तीन दिनों में ही जिसका नाम दिया गया है नो टेक जोन अब देखो नो टेक जोन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जहां पर इस एरिया में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी एक्स्ट्रा एक्टिव एक्टिविटीज इस एरिया में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी जैसे कि अगर आ, कोई भी इंसान जो है वो फिशिंग करना चाहते हैं हंटिंग करना चाहते हैं लॉगिंग है माइनिंग है ड्रिलिंग है, है ये सब चीजें किसी एरिया में अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नो टेक जोन अगर वहां पर लिखा है तो आप ये सब एक्टिविटीज नहीं कर सकते तो रिसेंटली ये डिसीजन लिया गया है स्टेट गोवा की तरफ से ओके okay, सो so इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से बीचेस में फिलहाल ये गोवा में नो टेक जोन सेलेक्ट किया गया है तो ये है मोरजिम एंड इन नॉर्थ गोवा ओके जो कि मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर आप लोग जा सकते हो घूम सकते हो खा सकते हो लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पर दी है जो एक्टिविटीज इधर इस एरिया में अभी बैन हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज अ रिलीज प्रपोजल्स टू एलिमिनेट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स बाई ट्वेंटी फिफ्टी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है कि फ्यूचर टारगेट्स क्या है 2030 का टारगेट 2025 का टारगेट क्या है सो ग्लोबल एसोसिएशन की बात की गई है जिन्होंने रिसेंटली ये शायद 15 या 16 अक्टूबर को डिसाइड किया गया था जिन्होंने ये रिलीज किया है एलिमिनेट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जितने भी हमारे पर्यावरण में ऐसे प्रदूषक है जिससे इंसानों को जीव जंतुओं को सबको हानि पहुंच रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है प्रपोजल रखा गया है वो रखा गया है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरो, यूरोपियन संघ के द्वारा ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर जी ट्वेंटी सोच रहे होंगे क्योंकि रिसेंटली जी ट्वेंटी हुआ है लेकिन ये जो प्रपोजल है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था अब देखो इस तरीके के जो भी पॉल्यूटेंट्स वाली स्कीम्स होती है ना इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज से जो डेट होती है या जो ईयर होता है जब ये प्रपोजल आया होता है लगभग उसी दौरान इस चीज को स्टार्ट कर दिया जाता है एंड एम रखा जाता है कि सभी कंट्रीज मिलकर इस चीज पर फोकस करेंगी एंड इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी ओके सो यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज फोरकास्ट ऑन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ जो है ये किनोंने अह रिलीज किया है रिसेंटली तो ये रिलीज किया गया है डब्ल्यूटीओ के द्वारा डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके कई बार आपको डब्ल्यूटीओ लिखा होगा कई बार पूरा नाम भी लिखा जा सकता है इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक Uh, एक फॉरकास्ट से रिलेटेड कुछ रिलीज किया है वो क्या है तो वो है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ की uh, यहां पर लिस्टिंग ठीक so, है है सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल होती जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं ठीक है वैश्विक व्यापार जो होते हैं उसको कैसे फैसिलिटेट करना है कैसे रेगुलेट करना है उन सब चीजों के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओके जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं अगर वो वैश्विक आ, व्यापार करना चाहती हैं तो उनके बीच में क्या क्या रूल्स होने चाहिए अच्छे से काम करने के लिए वो सब चीजें ये हैंडल है, करती है ओके सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू है एंड यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने स्केल डाउन ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट टू जीरो पॉइंट एट परसेंट ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है

यहाँ पर सॉरी आपके सामने आंसर पहले से ही है सो so, इसका करेक्ट uh, आंसर है मिथेन लीक्स ओके मास का मतलब है यहाँ पर मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इट बिल्ड ऑन जाए एंड इस उन्नीस में 119 कंट्रीयां थी 119 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है ओके okay, अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया जिसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि मिथेन लीक्स जो है इसको इन्होंने कंट्रोल करने की बात की है ओके मिथेन मिथेन को क्यों यहाँ पर मिथेन के एमिशन को कट करने की बात क्यों की गई है मिथेन से हमारे पर्यावरण को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपका आंसर सही है या गलत है वो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी एंड स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है आप बस मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए मैं कंटिन्यू करूं अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिक्यूलर टॉपिक में लेकर वो भी मुझे बता सकते हो मैं जरूर आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैोग्राम सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम जो है 2023-24 का जब बजट अनाउंस किया जा रहा था उस समय यह इनिशिएटिव लिया गया था वॉल्टरी एनवायरमेंटल एक्शन बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स सो ये दो ये तेरह अक्टूबर दो को ही इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के रूप में प्रेजेंट किया गया था बजट 2023 के दौरान राइट right? सो so, ये किसने प्रेजेंट किया था ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है सो so, ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस प्रोग्राम इज अ फॉलो अप एक्शन ऑफ दी लाइफ एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम लाइफ है लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन ठीक है ये एक वॉलेंटरी प्रोग्राम है एंड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

2023 को यह कंडक्ट करवाया था समिट एंड इसका मेन एम था टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन अ टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होना था उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए गए थे स्पेशली टू दू एन एफ सी 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 यू एन एफ सी 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 का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट नंबर नाइन में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं सो so इसी में ये चीजें आती हैं अब इसका पूछा गया है कि कौन से ईयर में ये रिलीज होगा तो ये 2023 में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जैसे मैंने बताया 20 सितंबर 2023 को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city hosted the G20 Parliamentary Speakers Summit P20 in 2023? So आप को पता है, सुनते हो, तो इसके बारे में तो जरूर सुना होगा इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था नाइन्थ जी ट्वेंटी पार्लियामेंट्री स्पीकर सबमिट न्यू दिल्ली में जो कि हुआ था ये टू डे सबमिट था दो दिन तक चलने वाला सबमिट था एंड इट इज प्रसिडेडेड बाई पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिशन लाइफ लाइफ के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं टेन अदर कंट्रीज वर इन्वाइटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस ओके एंड इसकी थीम क्या थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था आई होप आप सबने सुना होगा इसी क्वेश्चन को देखो फिर दूसरे तरीके से पूछा गया है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नाइन्थ पी ट्वेंटी समिट इन इंडिया दैट इज न्यू दिल्ली ओके okay, इसका डेट्स याद रख लीजिएगा होमवर्क दे दिया चलिए मैंने एक और आपको कि बताइए ये जी ट्वेंटी पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट पी ट्वेंटी जो है ये कौन कौन से डेट्स में हुआ था एंड इसमें जितनी भी कंट्रीज आई थी उसमें से कोई भी तीन कंट्रीज के नाम आप, नाम आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए एग्जाम में जरूर आएगा इसकी थीम है वन 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 अर्थ फैमिली फ्यूचर नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन हैज इनिशिएटेड अ पायलट प्रोग्राम फॉर होलसेल डिजिटल रूपी इन कॉल मनी मार्केट ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट आईसीटी में करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सो उन्होंने रिसेंटली होलसेल सेगमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इन दर बैंक कॉल मनी मार्केट ये स्टार्ट किया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू फाइव जी इको सिस्टम सो फाइव जी इको सिस्टम क्या होता है यहां पर तो पूछा है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये किया गया था जितना भी हमारे नेटवर्क्स की अवेलेबिलिटी है उनकी मैनेजमेंट है उनका वैल्युएशन है ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए 5G को सिस्टम को डिजाइन किया गया है टी आर ए आई के द्वारा। so, TRAI मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है इन्होंने 5G को सिस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी अभी लॉन्च किया है आइडेंटिफाई फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फैलेसी क्या होती है सबसे पहले आपको ये बताती हूँ फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फैलसी बेसिकली कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम अपनी स्टेटमेंट्स के दौरान अपनी कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं अब जैसे कि मान लीजिए कई फैलेसीज ऐसी होती है जो हम जानबूझकर करते हैं कई मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम बातों बातों में गलती से कर देते हैं तो वो जो गलती से होने वाली मिस्टेक्स होती है उनको फैलेसी कहा जाता है अब देखते हैं फैलेसी में दो टाइप्स होते हैं पहला होता है इनफॉर्मल फैलेसी और दूसरा होता है फॉर्मल फैलेसी इनफॉर्मल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो ऑप्शन में भी आपको अभी गिवन है तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट जो दी गई है अमेरिकन इंडियंस आर पे कह रहे हैं अमेरिकन इंडियंस जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे दिखना बंद होते जा रहे हैं दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियन तो वहां पर एक आदमी था उन्होंने उसको बोल दिया कि ये वाला जो आदमी है ये अमेरिकन इंडियन है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला करके एक कंक्लूजन निकाला गया जिसमें कहा है देर फोर दैट मैन इज डिसरिंग उन्होंने कहा था कि इंडियन अमेरिकन इंडियन डिसअपियर हो रहे हैं वो आदमी अमेरिकन In इंडियन है इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है ये डिसअपियर होने वाला है डिसअपियरिंग है तो इस तरीके में कौन सी फैलसी है कौन सा यहाँ पर मिस्टेक हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में कर दिया है ये पूछा गया है तो इसमें देखो आंसर है फैलेसी डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताकर एक्सप्लेन करती हूँ फैलेसी ऑफ डिविजन जो है ये एक इनफॉर्मल फैलसी का टाइप है दैट अकर्स वेन वन रीजन दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर अ होल मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर ऑल और सम ऑफ इट्स पार्ट ऑफ़ डिविजन बोलता है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी एक जगह पर हमें ट्रू लग रही है अब देखो यहां पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है इससे हमने बोल दिया कि इसका कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा जबकि कंक्लूजन जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रू ही हो इस चीज को फैलेसी ऑफ डिविजन का नाम दिया गया है ओके okay? जैसे कि अगर हम बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ हमने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलियन पीपल जो होते हैं वो बास्केटबॉल के चैंपियन होते हैं दूसरा मैंने बोल दिया कि पर्सन ए जो है वो बास्केटबॉल का चैंपियन है इसका कंक्लूजन हमने ये निकाल दिया कि पर्सन ए पर्सन ए जो है वो ऑस्ट्रेलियन है जरूरी तो नहीं है कि पर्सन ए ऑस्ट्रेलियन ही हो अगर वो अच्छा बास्केटबॉल खेलता है तो इसका मतलब जरूरी ही नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन ही है मतलब दो स्टेटमेंट ट्रू थी और इसी के बेस पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया और उसको ट्रू मान लिया ये होता है फैलेसी ऑफ़ आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हो चीजों को नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर भी फैलेसी हमें ढूंढनी है सम गुड एक्टर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग मैन कई एक्टर्स ऐसे जो कि स्ट्रोंग मैन नहीं होते ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2021 में एज़ इट इज़ पूछा गया था ओके ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर स्ट्रांग मेन जितने भी प्रोफेशनल रेसलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इसका मतलब ये है कंक्लूजन में ये कहा है कि ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड एक्टर्स क्या ये सही है बिल्कुल गलत है तो इसका करेक्ट uh, आंसर है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्राइमाइसेस अब देखो जो शुरू में दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं इनको हम प्रीमाइसिस बोलते हैं प्रीमाइसिस वन प्रीमाइसिस टू और देर फोर बिकॉज ये जो होता है ये होता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव अगर आपके पास कभी भी कंक्लूजन में ऑल लिखा है कंक्लूजन में अगर ऑल या ऑल नॉट है इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव वैल्यूज है अगर आपके पास कंक्लूजन में नो no, सम लिखा है यह सम नॉट लिखा है तो ये क्या होती है ये नेगेटिव वैल्यूज होती है तो यहां से ही आप लोगों को क्लियर पता चल गया है कि अफर्मेटिव यानी कि ऑल की वजह से अफर्मेटिव है अफर्मेटिव कंक्लूजन फॉर्म नेगेटिव प्रिमाइसिस नेगेटिव प्रिमाइसिस क्यों क्योंकि इसमें नो no की स्टेटमेंट दी है और ये कहीं से भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन और ये जो फैलेसी है ये आती है आपकी फॉर्मल फैलसी की कैटेगरी में ओके okay, यहां पर ये वाली स्टेटमेंट नेगेटिव थी बिकॉज उसमें नॉट लिखा है ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव प्रेमाइस की कैटेगरी में आती है एंड इसका कंक्लूजन भी क्या है पॉजिटिव ही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दोपोजिशन आर सो रिलेटेड ये वाला सेक्शन जो है ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा सो ये देखो आप लोगों के पास ए -E का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ है ना सो so, इसमें ए का मतलब होता है ऑल ओ का मतलब होता है सम नॉट ठीक है इसका मतलब होता है नॉट ठीक है ए का मतलब होता है ऑल ई e का सॉरी ई e का मतलब होता है नॉट या नो no, आई का मतलब होता है सम और ओ का मतलब होता है सम नॉट ये चार चीजें सबसे पहले आपको याद रखनी है अब यहां पर बोला है आपको कि ऐसी स्टेटमेंट्स ढूंढो जो कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती फॉल्स एक साथ दो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती लेकिन ट्रू हो सकती हैं। तो फॉल्स जो नहीं होती है एक साथ लेकिन ट्रू नहीं हो सकती ये होती है सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स और सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती है हमेशा आई और ओ के बीच में तो आई और ओ आई का मतलब है सम वाली स्टेटमेंट तो ये सम वाली स्टेटमेंट और ओ होती है सम नॉट वाली स्टेटमेंट तो ये है सम नॉट वाली स्टेटमेंट तो ऑप्शन है यहां पर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखो स्टेटमेंट्स इस तरीके से याद रखिए कभी भी अगर आपको बोला है कि दो स्टेटमेंट्स एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन ट्रू हो सकती है तो वो होता है सब कॉन्ट्रारी सब कॉन्ट्रारी हमेशा आई एंड ओ वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आपको पूछा गया हो इसी क्वेश्चन में कि दो स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती तो ऐसे केस में ट्रू हो सकती है फॉल्स नहीं हो सकती ऐसे केस में आप लोगों के पास ये वाली स्टेटमेंट्स आ गई सेम चीज मैंने लिखी अगर आपको पूछा गया है कि ट्रू नहीं हो सकती लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकती है तो वो होती है आई और ओ वाली स्टेटमेंट्स यानी कि ऑल और सम नॉट वाली स्टेटमेंट्स और इसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है बस कमेंट कर दीजिए कि मैम वीडियो शेयर करना तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी ओके okay? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता चुकी हूँ लॉजिकल रीजनिंग में ए ई आईओ वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एरिस्टोटलियन Syllogism from the following. Okay, so Identify the features of Aristotelian syllogism from the following. It is deductive, inductive, and formal material. It is only deductive and formal. The major and minor terms stand apart in the premises. It is verbalistic. Verbal form is not the essence of inference. सो so, इसमें करेक्ट आंसर है बी सी एंड डी ओनली आंसर मैंने बता दिया आप बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे एरिस्टोटेलियन जो होता है ये सिलोजिज्म को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक uh, थिंग को सपोज किया जाता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द थिंग सपोज रिजल्ट्स ऑफ नेसेसिटी बिकॉज दीज थिंग्स इज सो

और हेतुवाभ्यास दो अलग-अलग चीजें होती हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इसलिए इसको पढ़ना जरूर है हेतुवाभ्यास क्या होता है देखते हैं ठीक है so, सो हेतुवाभ्यास से रिलेटेड इट मींस दैट मिडिल टर्म अपीयर्स टू बी रीज़न बट इट इज नॉट अ वैलिड रीज़न ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन है अगला है ऑल फैलेसीज आर मटेरियल फैलेसीज एंड नेक्स्ट इज व्हेन एन इन्फेरेंस सॉरी फैलेसीज अकर when any of of the five characteristics of middle term are violated दिडल टर्म जो आप लोगों के पास मिडल टर्म होती है दो स्टेटमेंट्स में दो प्रीमाइसिस दिए गए हैं दो प्रिमाइसिस में तीन चीजें होती है एक तो कॉमन टर्म होती है जैसे कि मैंने मान लिया ऑल डॉग्स आर रैट्स इसमें मैंने मान लिया ऑल रैट्स आर कैट्स तो ये जो कॉमन टर्म है इसको मिडल टर्म बोला जाता है पहली स्टेटमेंट में पहली टर्म को मेजर टर्म माना जाता है और दूसरी स्टेटमेंट में दूसरे टर्म को माइनर टर्म माना जाता है और जो कॉमन टर्म होती है जो जिसको मिडल टर्म कहते हैं वो कंक्लूजन में नहीं होती तो इसका कंक्लूजन क्या कहेगा ऑल डॉग्स आर कैट्स ठीक है सो इस तरीके से चीजों को याद रखा जाता है ऑलरेडी थ्योरी सेशंस हमने कवर किए हैं नो वन हैज शोन दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियंस किसी ने भी अभी तक ये शो नहीं किया कि मार्स जो है वो एलियंस ने बनाया है देअर फोर मास इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियन इसका मतलब यही मानते हैं कि किसी ने अभी शो तो नहीं किया लेकिन हम फिर भी यही मानेंगे कि मार्स को एलियंस ने ही क्रिएट किया है अपील टू इग्नोरेंस अपील टू इग्नोरेंस फैलिसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोई भी आ, पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें इसका क्वेश्चन ना आए इसको आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस भी बोला जाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नाम की फैलिसी भी इसको कहा जाता है ठीक है इग्नोरेंस का यहाँ पर मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्ट्ररी एविडेंस कि हमारे पास अगर उस चीज को किसी भी चीज को लेकर के प्रॉपर सबूत नहीं है और हम अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए अब आपको मान लो आप सच बोल रहे हो लेकिन आपके पास सबूत नहीं है उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आप किसी को विश्वास दिला सकते हो बट वो बिना सबूतों के नहीं मान रहे तो उसको हम अपील टू इग्नोरेंस बोलते कि आप अपनी एविडेंस वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो एंड ये आपका इनफॉर्मल फैलसी की कैटेगरी में आता है ओके हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड वॉट सो कई बार सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमारे एनवाट में हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं ये इसमें पूछा गया है ऑप्शन है ग्रे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन व्हाइट हाइड्रोजन या फिर टॉर्क्यूस हाइड्रोजन अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है आप लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी का नाम तो सुना होगा रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के जैसे कि सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं ये जब भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को एंड अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेटा या प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्लीन और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना गया है ओके okay? बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल भी यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षित भी इसको माना जाता है इसीलिए इसका नाम भी दिया है ग्रीन हाइड्रोजन समय या के सीजन में अल्ट्राफाइन साइज पार्टिकुलेट मेटर यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कर्ण होते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ओजोन की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनऑक्साइड सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है एंड इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते हैं एंड ये थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इज वॉट सो so, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं सॉरी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल डू नॉट चेंज दी ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज दी टेम्परेचर ऑफ वाटर सो देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसके साथ ही इंक्रीज वॉटर तो में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है जो की हमेशा डिक्रीज होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है हाउ मैनी नेशनल मिशन आर देर इन दी ने प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सो एन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसमें कहा है कि कितने नेशनल क्लाइमेट चेंज को लेकर के सो so, इसमें है टोटल एट मिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कॉमेंट कर दीजिए मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी नेक्स्ट इज सब्सटेंस दैट स्लोस डाउन दिन न्यूट्रॉन्स To have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what to wo kaun sa padarth hai jo वो कौन सा पदार्थ है जो niyantrit परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है तो इसको क्या कहा जाता है Options आर कंट्रोलर इनहिबिटर मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर सो so, क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है जो स्लो डाउन कर देता है तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस Montreal Protocol contributes also in attainment of the following Sustainable Development Goals. So आपको पता है कि Sustainable Development Goals बहुत important है and Montreal Protocol के भी कुछ concepts है जो कि SDG से जुड़े हुए हैं अब यहाँ पर कहा है कि ultraviolet radiations UV rays वी क्या होती है ये सूर्य है ये हमारी पृथ्वी है सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम आ, हम इंसानों को जीव जंतु पेड़ पौधों सबको नुकसान पहुँचा सकती है जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है ठीक है जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है ओके सो यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी वी रेस से लेकर के कौन कौन से गोल्स कॉमन हैं? तो करेक्ट आंसर है एस डी जी का तीसरा ग्यारहवा चौदवा और गोल अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं हमारी प्रकृति हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर थ्री किस लिए इस्तेमाल होता है इसका क्या नाम है तो अब मुझे कॉमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर तीन ग्यारह चौदह और पंद्रह क्या है इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी एरेशन टेक्निक और वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपीज जिसको कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसीस हार्डनेस या फिर मेटल सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देखो जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग इज मेजर इन डॉब्सन यूनिट सो डॉब्सन यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है सो so, इससे हम क्या मेजर करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं ठीक है इसके बाद दूसरा ऑप्शन है

वो, आ, वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर बिल्कुल भी नहीं अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है बिल्कुल भी नहीं उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं वो वेस्ट वाटर ही होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं वो पॉल्यूटेड वाटर होता है बाथरूम वेस्ट वाटर बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीज़ें रहती हैं तो ये भी सही ऑप्शन है वॉटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ ये भी नहीं होता है ठीक है सो करेक्ट आंसर क्या है ए एंड डी दैट इज ऑप्शन नंबर फोर सिर्फ यही ग्रे वॉटर की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आर बायो फ्यूल्स सो इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना गैसोलीन मिथेनॉल मिथेन या फिर इथेनॉल ओके सो स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ऑप्शंस मिसिंग है बेसिकली बायोफ्यूल्स जैव ईंधन जो होते हैं वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है ठीक है मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है तो ये दोनों चीजें होती तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा ठीक है बायोफ्यूल्स क्या होते हैं दे आर कंसिडर टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है बिकॉज दे फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज वेन बर्न जब मिथेनल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं ओके okay, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है तो ये दोनों ही है करेक्ट आंसर है यहाँ पर थ्री नहीं होगा बी एंड डी दोनों के नाम है ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स वाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए सो so, ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है ओके okay? so, प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू सो हमारे पर्यावरण को समय के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं एंड हर एक नुकसान को कैसे कंट्रोल करके अपने पृथ्वी को हम बचा सकते हैं इसके लिए बहुत से प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन वेस्ट क्लाइमेट चेंज या फिर न्यूक्लियर एनर्जी सो so, देखो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो नाम की जगह में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था एंड इंडिया ने इसको 2005 में ज्वाइन कर लिया अब मेजर फोकस क्योटो प्रोटोकॉल का रहता है ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को हम कैसे कम करें सो so, ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब है हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं सो so, यहां से आप याद रख सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर इज वॉट टाइफॉइड फीवर और वॉटर बोन डिजीज इज कॉज बाय वॉट सो आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा ये किसकी वजह से होता है वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ जिसको क्रीमी कह, कहा जाता है ओके okay? so typhoid fever can spread throughout the body and harm numerous organs ठीक है पूरी body में ये fever फैल जाता है and easily इसको control नहीं किया जाता तो ये होता है एक ऐसा bacteria जो की बहुत आसानी से बहुत easily हमारी body में फटाफट से फैल जाता है next question is India stands at what position as per World Air Quality Report 2022 ranking lower than last year's fifth place. So, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या होती है सो so, पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में देखा जाता है हर एक कंट्री uh, वाइज और पूरे वर्ल्ड वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी क्या है तो आप लोगों को इंडिया में खासतौर पर दिल्ली क्या तो पता ही है कि रिपोर्ट वहां की एयर क्वालिटी की हमेशा कितनी खराब रहती है सो so, यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या पोजीशन रही थी 2022 में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज पोजीशन, ओके एंड यहाँ पर दिल्ली की बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली मानी गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टू लिस्ट गिवन बिलो दो लिस्ट दी है एक तरफ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रॉड एरियाज बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा क्या काम करता है गोल नंबर एंड ओके सो बहुत इजी क्वेश्चन है इसके लिए देखो आंसर पे जाते हैं पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल सेवनटीन होते हैं जो आपको इस तरीके से याद रखने इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो में ऑलरेडी लेकर आई हूँ वो नहीं देखिए तो देख लीजिएगा So, पर गोल नंबर फाइव पूछा है सबसे पहले है ना गोल नंबर फोर एंड फाइव तो देखो फोर बोलता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी मेल फीमेल बराबर होने चाहिए तो देखो गोल फोर क्वालिटी एजुकेशन एंड गोल फाइव बोलता है जेंडर इक्वालिटी सिमिलरली गोल नंबर फोरटीन बोलता है लाइफ बिलो वॉटर एंड गोल फिफ्टीन बोलता है लाइफ ऑन लैंड तो इसको याद रखिये ट्रिक्स नहीं देखिये तो वीडियो मिल जाएगी बस कमेंट कर दीजिए कि वो वीडियो मैं आपको दे दू ठीक है नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दोस्ट क्रूशल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है सो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इको डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड सो करेक्ट आंसर है इको डेवलपमेंट यानी कि पारिस्थितिकी के विकास नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जैसे हमने होते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया गोल्स में टोटल कितने गोल्स होते हैं ये एग्जाम में जरूर आता है सो so पहले तो यहाँ पर बोलता है गोल नंबर फाइव इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ हाइएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किसके हैं ये यहाँ पर पूछा है गोल नंबर सिक्स Combat HIV. Goal number seven, seven, ensure environmental sustainability. Goal number eight, develop, of, develop a global partnership for. डेवलपमेंट ठीक है सो so, इसमें देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर है क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि सारी कंट्रीज को मिलकर एक पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए जिससे कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके क्योंकि कई टारगेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं कर सकती बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो ईजिली उसको अचीव किया जा सकता है तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट्स गोल नंबर एट में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है

इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क ऑफ थर्टी गीगा वाइट कैपेसिटी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी का पार्क बना है so, ये है इंडिया yes, students, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दो बार ऐसे पूछा गया है कि इंडिया का इंडिया एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क बना रहा है जिनकी हाइएस्ट कैपेसिटी क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि थर्टी जी कैपेसिटी है तो यही क्वेश्चन ऐसे आता है

सोलर एनर्जी में कारें चलती है नहीं चलती सोलर एनर्जी से चलने वाली कार्स अभी तक तो इतनी कॉमन नहीं है यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज रन कार्स रिचार्जेबल बैटरीज वाली होती हैं बट उसमें फ्यूल सेल व्हीकल यूज नहीं किया जाता यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रन कार्स यूजिंग इंप्रोवाइज सी एनजी सी एन जी कार्स में भी बैन हो चुकी हैं इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा उस कार को रन किया जाता है Next is, which of the following air pollutants is known to be a human carcinogen? Okay. So, correct answer is asbestos fiber. Next is, pyrolysis helps in addressing the problem of what? Pyrolysis helps in addressing the problem of municipal solid wastes.

समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पानी का बढ़ता जा रहा जा रहा रहा है 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 नॉर्मल लेवल से से ऊपर होता थर्मल पॉल्यूशन की की वजह इसमें कहा कि वाटर क्वालिटी के साथ साथ जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचाता है तो ये बिल्कुल सही है सेकेंड इज ऑक्सीजन सोल्यूबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेज तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती जाती है तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक नॉलेज derived फ्रॉम comparison एंड which रफली corresponds टू the एनालॉजी So, यहां पर कहा है कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक हमें नॉलेज दो दो थोड़ा बहुत वो कॉरेस्पॉन्ड करता हो तो ये दो कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है ऑप्शन है अर्थपति यानी कि अर्थ की उत्पत्ति किसी वर्ड का मीनिंग जनरेट होना अनुमाना मतलब गेस करना उपमना मतलब एग्जाम्पल नेक्स्ट इज अनुपलब्धि मतलब नॉट अवेलेबल सो अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको एक शब्द मिल जाता है कंपैरिजन यानी कि दो चीजों के बीच में तुलना करना इसका मतलब है कि हम उपमना की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उपमना एक संस्कृत शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग कंपैरिजन होता है तो इसलिए डायरेक्टली यहां पर करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ये आपका से से पूछा गया है। यहां से जरूर question है। जरूर आता तो देखो ऑप्शन ये हैं। ऑल फिशेज आर मैम सो प्रोपोजिशन के हिसाब से जहां पर भी आपको ऑल शब्द मिलता है इसका मतलब है ए इसको रिलेट करेंगे सम फिशेस आर मैमल्स सम का मतलब क्या होता है सम का मतलब होता है आई इसको याद रखो ट्रिक बता रही हूँ अभी ठीक है नो फिशेज आर मैमल नो का मतलब होता है ई सम फिशेज आर नॉट मेमल जहां पर सम और नॉट दो चीजें एक साथ होगी इसका मतलब है ओ अब इसको लिखने का एक तरीका होता है इसको लिखा जाता है ए -E के नाम से इधर उधर करोगे तो सारा लॉजिक खराब हो जाएगा सब गड़बड़ हो जाएगा तो इसको ऐसे ही लिखना है अब यहाँ पर बोला है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स सो याद रखिए ऐसे रिलेशनशिप में कंट्रारी स्टेटमेंट हमेशा ए और ई e के बीच में होती है ए का मतलब है ऑल फिशेज आर मैमल्स आपको बताना है कॉन्ट्ररी कौन सी है ए और ई e तक पहुंच गए ए वाली और ई e वाली मतलब ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री सो ए एंड सी हेयर इज द करेक्ट आंसर इतनी सी ट्रिक है ठीक है इसके लिए सिर्फ ये चार्ट आपको याद रखना है ए और ई e के बीच में कॉन्ट्ररी का रिलेशन होता है आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी होता है ए से ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट्री सिमिलरली ई से आई के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टी होता है तो ऐसे आपको याद रखनी है चीजें सिर्फ इस स्क्रीन को नोट कर लो समझ लो अच्छे से ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है दस मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो अगर वो अभी तक नहीं देखी है तो मुझे कॉमेंट कर दीजिए मैं शेयर कर दूंगी लिंक ओके नेक्स्ट इज होमवर्क क्वेश्चन इसमें कहा है इन स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन विच ऑफ फॉलोइंग इज दाडिक्ट्री ऑफ ऑल एसईसपी सो कॉन्ट्राडिक्ट्री मैंने क्या बताया कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट होती है ए ओ के बीच में E और i के बीच में सो so, यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर तो ये स्टेटमेंट दी गई है इसका ढूंढ कर कॉमेंट करनाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अनुमना यानी कि इनफेरेंस अनुमना को इनफेरेंस कहा जाता है सो so, इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन उपन्याय प्रतिजना हेतु इसको प्रतिज्ञा बोलते प्रतिजना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ठीक है हेतु हेतु का मतलब होता है किसी भी चीज का रीजन देना उदाहरण मतलब एग्जाम्पल और लास्ट इज निगमना सो ये सभी जो चीजें हैं ये पांच टर्म्स हमने अभी यहाँ पर देखी ये अनुमान इंफरेंस के ही स्टेप्स होते हैं बस इसको हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले आ जाता है प्रतिज प्रतिज्ञा प्रतिजना ओके So, प्रतिजना हमें क्या कहता है इसको इंग्लिश में कहते हैं थीसिस प्रतिजना को हिंदी इंग्लिश में thesis कहा जाता है है उसके बाद आता सेकंड नंबर पर हेतु जिसको कि रीजन कहा जाता है नोट कर लीजिए कई बार इंग्लिश में टर्म्स लिखी होती है सेम क्वेश्चन होता है उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल इसको कई बार एग्जाम्पलिफिकेशन भी लिखा होता है उसके बाद उपन का मतलब होता है एप्लीकेशन कैसे इन एग्जाम्पल्स को हम रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं निगमना का मतलब होता है कंक्लूजन कि पहले हमने किसी चीज को समझा दिस इज प्रतिज्ञा थीसिस फिर उसका कारण जाना फिर उसका एग्जाम्पल निकाला फिर उसको अप्लाई किया लास्ट में आ गया कंक्लूजन दैट इज निगमना ओके ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स एंड दे मे बोथ बी ट्रू दो स्टेटमेंट्स जो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती एक साथ ट्रू हो सकती है ये पूछा है अब देखो ये चीज यहाँ पर है A और ई e के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ए और ई e के बीच का रिलेशनशिप हमें बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन बी फॉल्स लेकिन ट्रू नहीं होंगी आई और ओ का रिलेशन बोलता है कि दो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी लेकिन फॉल्स नहीं होगी तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है आई और ओ का रिलेशन यानी कि सम एंड सम नॉट का रिलेशन पूछा गया है ठीक है पर देखो क्या होगा some वाली वाली स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, है, है ये है, तो इजी ना, बस अगर वो चार्ट याद हो गया तो बहुत इजी है विच ऑफ दर कॉन्ट्राडिक्ट्री ईच अदर कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं ओके ऑल ह्यूमन mortal, पूरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ो सिर्फ ऑल नो no, सम और सम नॉट कॉन्ट्राडिक्ट्री होती हैं आपकी सम स्टेटमेंट्स और सम नॉट वाली स्टेटमेंट्स राइट right? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जिसको न्याय कहते हैं हिंदी में इन दी प्रोसेस ऑफ इंफियर अनुमना द रीजन प्रोसीड फ्रॉम वट अभी ये क्वेश्चन हमने किया उसमें स्टेप्स पूछे थे इसमें कहा है कि जो भी रीजन होता है उसको कहाँ से शुरू किया जाता है यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू सम यूनिवर्सल थिंग सो इसका करेक्ट आंसर फोर है देखो हमने पर्टिकुलर चीज से शुरू किया हम बोलते पहाड़ में आग लगी है उसके बाद हम दूसरे पार्टिकुलर पे आ गए कि वहां से धुआं निकल रहा है फिर हमने उसका यूनिवर्सल ये निकाला कि जहां पर आग लगती है वहां से धुआं निकलता ही है इस तरीके के एग्जांपल्स हमें न्याय के बारे में न्याय में अनुमान के बारे में बताते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो प्लांट्स आर मर्डर्सर्स ओके okay, सो so, पूरी स्टेटमेंट नहीं समझनी है सिर्फ हमें फोकस करना है पहले टर्म पर नो और कहा है लॉजिकली इक्विवेलेंट इसके बराबर का क्या है ये बोलता है मान लीजिए ये मर्डरर है और ये प्लांट्स है इसने बोला कोई भी प्लांट मर्डरर नहीं है वेन डायग्राम से इजी हो गया अगला हमें बताता है नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स ठीक है नो प्लांट आर नॉन मर्डरर तो ये चीजें भी लिंक हो जाती है करेक्ट आंसर देखो ये है ऑल नॉन मर्डरर्स आर नॉन प्लांटर्स ऑल नॉन मर्डरर्स आर नॉन प्लांटर्स सेम चीज है ध्यान से समझो सेम बात लिखी हुई है नेक्स्ट इज इफ दी प्रोपोजिशन फिशेज आर नॉट एग लिंग एनिमल्स इज गिवन टू बी ट्रू ठीक है सम नॉट सम नॉट वाली स्टेटमेंट यानी कि ओ वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर ट्रू बताया गया है फॉलोविंग कुट बी इमीडिएटली इनफर टू बी फॉल्स तो अगर देखो हम ऐसे लिखते हैं ना ए आई ओ अगर इस वाली स्टेटमेंट को ट्रू माना गया है तो इसमें ठीक है कि कौन सी होगी? तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा होगी ऑल वाली क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स होगी अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है ट्रिक्स के साथ बताई गई हैं चीजें जल्दी से उसको देख लीजिए ठीक है नेक्स्ट आर सो रिलेटेड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन एक साथ ट्रू हो सकती है अभी अभी पढ़ा था करेक्ट आंसर है बी एंड डी सम वाली और सम नॉट वाली स्टेटमेंट ठीक है यानी कि सम आए वाली और ओ वाली ठीक है आई एंड ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रारी और सब कॉन्ट्री कांगस फैलेसी इज इन्वॉल्व इन आर्गुमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है कि ध्वनि शाश्वत है आवाज कोई भी आती है उसको हम सुन सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं से उत्पन्न होती है ओके okay, ये बेसिक सी स्टेटमेंट है आपको भी पता है कि आवाज कहीं से आ रही है तो हम तो सुनेंगे ही इसमें कौन सी फैलेसी है दौरान में कर लेते हैं कुछ फैलेसी इनफॉर्मल होती हैं कुछ फैलेसीज फॉर्मल होती है, है। यानी कि कुछ फैलेसीज ऐसी होती है जो गलती से अनजाने में हमसे हो जाती है और कुछ फैलेसीज ऐसी होती है जो कि हम जान कर करते हैं अब फेलेसी को ही इंडियन लॉजिक के केस में हेतु कहा जाता है देखो स्टूडेंट्स अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देखा होगा तो आपको एक पार्ट तो लॉजिकल रीजनिंग वाला होगा एंड सिलेबस में एक पार्ट इंडियन लॉजिक वाला है चीजें वही है बस जहां पर इंग्लिश टर्म्स होगी जैसे जहां पर फैलेसी कहा जा रहा है मतलब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है जहां पर इंडियन लॉजिक में उसको हेतु कहा जाएगा चीजें एक ही रहेंगी अब यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट में बिकॉज लिखा है बिकॉज क्या होता है कोई रीजन बताता है ना किसी चीज का कारण हमें बताता है है इसको इंडियन लॉजिक में में हेतु कहा जाता है। अब जब भी हम इस तरीके की स्टेटमेंट बिकॉज का यूज करते हैं तो वो हमेशा होती है विरुद्ध और कॉन्ट्राडिक्ट्री मिडल फैलेसी ओके सो करेक्ट आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर वन देखो जो भी हम लोगों ने जैन स्कूल के बारे में पढ़ा था जैनिज्म जो था उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टी यानी कि विरुद्ध नाम के हेतु अभ्यास को इंट्रोड्यूस किया था एंड उनका यह कहना था कि इट प्रूव्स नॉट द एग्जिस्टेंस बट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मेजर इन द माइनर कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज कोई चीज एग्जिस्ट करे बट किसी माइनर स्टेटमेंट से मेजर टर्म की नॉन एग्जिस्टेंस को भी ये हमें रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है ठीक है सो यहाँ पर हम यूज करते हैं विरुद्ध हेतवाभ्यास अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू दी अदर मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया ए ई आई ओ इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ए ई आई ओ लिखना है अब यहाँ पर कहा है कि इफ वन ऑफ देम इज ट्रू कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये कौन से केस में होता है ये हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो सम नॉट वाली हमेशा फॉल्स होगी अगर ये वाली फॉल्स है तो ये वाली ट्रू होगी ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं तो ए का मतलब है ऑल वाली स्टेटमेंट और ओ का मतलब होता है सम नॉट तो यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मोर्टल तो ऑल आ गया और ये आ गया some not. Okay? तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में आपको ए ई आई कॉन्सेप्ट समझना है अभी तो समझाने के लिए मैंने टाइम लगाया लेकिन 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है ए एंड सी ओनली ठीक है स्टूडेंट्स अगर ये वाली ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी ये हमेशा एक दूसरे के उल्टा काम करती है ठीक है एंड इसको क्या बोला जाता है इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है ए से ओ के बीच में और आई से ई e के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है अब एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ ए और आई यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना ए और आई ए और आई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है बताइए मुझे कॉमेंट करके अगर नहीं आता तो भी मैं आपके साथ एक थियरी वीडियो जो है इस टॉपिक की वो शेयर कर दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है वो उस वीडियो को देखकर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ आर लॉजिकली एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ठीक है, है. Some not animals, तो सम नॉट दो टर्म्स देख लिया आपने यहाँ पर सम नॉट यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है ओ को सम एनिमल्स आर नॉट नॉन कार्निवोरस एनिमल्स ये भी ओ है ठीक है सम नॉन कार्निवर्गेनिजम्स आर नॉट नॉन एनिमल्स ओ सम एनिमल्स आर नॉन वोरस ऑर्गेनिजम्स अब देखो यहां पर आप बोलोगे कि मैम ये तो सारी स्टेटमेंट्स ओ पर आ गई अब यहां पर हम करेक्ट आंसर को कैसे आइडेंटिफाई करें तो देखो स्टेटमेंट वन क्या है सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरनस एनिमल्स ऑर्गेनिजम कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि मांसाहारी जीव नहीं होते जो कि मीट वगैरह मांस हम बोल सकते हैं वो नहीं खाते ठीक है ये स्टेटमेंट किसके इक्वल है ये स्टेटमेंट डी के इक्वल है सम एनिमल्स आर नॉन लिखा है यहाँ पर नॉट लिखा है यहाँ पर नॉन कार्निवर्स लिखा है तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है इक्विवेलेंट है, है ना दोनों स्टेटमेंट्स बराबर है सो so, ए और डी दोनों स्टेटमेंट्स बराबर है देख सकते हो ए और डी ए और डी के साथ में आपके पास दो स्टेटमेंट्स है इसके बाद बी और सी को चेक करते हैं सो so, स्टेटमेंट सी बोलती है सम एनिमल्स आर नॉट नॉन कॉर्नियोवस एनिमल्स सो ये वाली स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल सही है गलत है क्योंकि यहाँ पर नॉट और नॉन में टर्म्स को एक साथ में यूज किया है ठीक so, है नेक्स्ट है सम नॉन कार्निवर्स ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए सी एंड डी ओनली ध्यान से समझिए एक ही चीज है बस नॉट और नॉन इन दोनों चीजों को लेकर के कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज

तो ट्रू कौन सी स्टेटमेंट होगी ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो ट्रू होगी some animals are fishes. Some वाली स्टेटमेंट ये होती है मैंने आपको हमेशा बताया है आई और ऑपोजिट e होते हैं। अगर ये फॉल्स है तो ये हमेशा क्या होगा ट्रू होगा और यही हमसे पूछा है कि गिवन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ट्रू कौन सी होगी तो ट्रू हमेशा यही होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements with reference to categorical proposition some birds are mammals is a particular affirmative proposition and it distributes subject term alone यहां पर क्या है कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं ये particular affirmative है देखो दो तरीके की चीजें होती है हमारे पास एक होती है affirmative एक होती है negative नेगेटिव माइनस वाली ये जिसमें नो no आता है और सम नॉट आता है अफर्मेटिव होती है ऑल वाली एंड सम वाली स्टेटमेंट्स ठीक है तो इसमें कहा है सम बर्ड्स आर मैमल्स तो ये क्या है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक चीज और बताना चाहती हूँ जहां पर सम लिखा होता है उधर पर्टिकुलर यूज किया जाता है एंड जिधर सम नहीं होता जिधर ऑल होता है वहां पर सिलेक्शन को यूज किया जाता है ठीक है सो ये पर्टिकुलर क्योंकि सम है इसलिए ये पर्टिकुलर है और अफर्मेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टर्म अलोन तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों को पता है पहली टर्म जो होती है जैसे ये बर्ड्स है ये सब्जेक्ट है ये क्या है प्रेडिकेट है इसमें कहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सब्जेक्ट टर्म को ही दूसरी स्टेटमेंट बोलती है सम बर्ड्स आर मेमल्स ये एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है बिल्कुल है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स दोनों की जो एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है वो भी सेम है इसका मतलब यह है कि दोनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है अगला है समबर्ड आर मेमल्स एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है जो की दोनों टर्म्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसमें कहा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है जो कि किसी भी टर्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो इसमें करेक्ट आंसर uh, है ठीक है mammals, इसमें ये टर्म तो बिल्कुल सही है लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट के जरिए हम ये नहीं बता सकते कि ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सब्जेक्ट को या प्रेडिकेट को इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर यहां पर करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट दर्ग्यूमेंट अ फैलिसी ऑफ साधारण मिडल टर्म बीइंग टू वाइड ओके सो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर है द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल ठीक है तो यहाँ पर साधना मध्यम अवधि बहुत व्यापक होना इसके बारे में बात की गई है इसमें यह कहा है कि हिल में फायर है पहाड़ी में आग लगी है इसको हम जानते हैं सिर्फ यहाँ पर यही स्टेटमेंट ऐसी है जो कि हमें क्लियर कट आइडिया दे रही है किसी भी चीज के बारे में अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट को देख ले हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर इसमें बोला है कि पहाड़ी से धुआं निकल रहा है क्योंकि वहां पर आग लगी है जरूरी तो नहीं है कि पहाड़ी से धुआं निकल रहा है मतलब आग ही लगी हो कुछ और रीजन भी हो सकता है साउंड इज इटर बिकॉज इट इज ऑटेबल ये कौन सी फैलसी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर ऑल नोएबल तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री ही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इस क्वेश्चन में कहा है ऑल दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी आई एम ऑल्सो लिटल वर ईड दिक्ड इन नेक्स्ट मॉर्निंग तो पर एक पर्सन बोलता है कि मुझे लॉटरी लगी है मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मुझे चिंता भी हो रही है क्योंकि पिछली बार जब मुझे लॉटरी निकली थी तो उससे अगले दिन ही मेरी जेब काट ली गई थी इसमें कौन सी फैलेसी है अब एक पर्सन है डर चुका है क्योंकि उनके साथ एक बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है तो ये होता है पोस्ट हॉक फैलेसी पोस्ट हॉक फैलेसी से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे लेकिन अभी रीसेंट एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसका पूरा नाम बहुत लंबा है बट उस पे हमें नहीं जाना पोस्ट हॉक को सिर्फ याद रखिए कंफ्यूजन हम बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखेंगे ये जो है एक लॉजिकल फैलेसी है जहां पर वन इवेंट इज अज्यूम्ड टू बी कॉज ऑफ अ लेटर इवेंट सिंपली बिकॉज़ इट अकर्ड अर्लियर किसी केस में ऑलरेडी हमारे पास मान लीजिए मैं कभी अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके निकल गई जबरदस्ती गुस्से में और बाहर बाहर जाकर हो गया था एक्सीडेंट तो उसके बाद से से मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा करके घर जाऊंगी ही नहीं क्योंकि मुझे डर है कि मैं जब जब लड़ाई झगड़ा करके निकली हूँ एक्सीडेंट हुआ है तो ये एक पुराने इंसिडेंट को लेकर हम इतना डर चुके हैं कि आगे हम वो इंसिडेंट वो बात नहीं करना चाहते दैट इज कॉल्ड पोस्ट हॉक

बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एज इट इज एग्जाम में आया है इसका करेक्ट आंसर है ए सी एंड डी ओनली देखो ऑल एरोप्लेन आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इस तरीके से ये बन गया ऑल एरोप्लेन्स अगर एरोप्लेन नहीं होगा तो पॉल्यूटिंग व्हीकल भी नहीं होगा इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा बोलता है नो पोल्यूटिंग व्हीकल नो पोल्यूटिंग व्हीकल आर यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ये बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ऑल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन सेम चीज है ठीक है एंड नेक्स्ट है नो एरोप्लेन आर नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स कोई भी हवाई जहाज गैर प्रदूषणकारी वाहन नहीं है सिंपल सा लॉजिक लगाओ इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज इफ given आर पॉल्यूटिंग true, टू बी ट्रू the following कैन बी इमीडिएटली immediately inferred टू बी ट्रू ये देखो स्टेटमेंट्स क्या है ये दोनों सेम शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं इसमें इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू माना गया है इसमें बोला है कि कौन से स्टेटमेंट इमिडिएटली ट्रू होगी ऑल यानी कि ए के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है ए ओ -E के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस स्टेटमेंट को अगर हम सत्य मानते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट को फिर से इसके साथ सत्य माना जाएगा तो इसके साथ हमेशा आई वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है ए और आई के बीच में देखो क्या रिलेशनशिप होता है अगर ए ट्रू है तो वो आई को भी अपने साथ ट्रू कर देगा लेकिन अगर आई फॉल्स है तो वो ऊपर जाते-जाते ए को भी अपने साथ फॉल्स कर देता है एंड इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सब ऑल ट्रन रिलेशनशिप तो यहाँ पर सम एयरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल दो दे अभी अपने किया ना दो चीजें साथ में सही हो सकती ना ही साथ में फॉल्स हो सकती है एक सही है तो दूसरी गलत होगी यानी कि यहाँ पर ऑल ए और ओ का रिलेशन या फिर ई और आई के रिलेशन के बारे में बात की गई है सो करेक्ट आंसर है ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस और नो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस ओके जिसमें स्टेटमेंट वन कहती है मेटा कॉग्निशन इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन ओन यूज ऑफ लैंग्वेज सो मेटा कॉग्निशन कॉग्निशन क्या होता है किसी भी पर्सन की जब हम मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं मानसिक लेवल की बात करते हैं तो वो मेटा कॉग्निशन होता है तो इसमें ये कहा है कि वो अपने अब देखो आप लोग कई बार बैठे होते हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कितने हमारा एबिलिटीज़ कितनी हैं हम किस लेवल तक के एग्जाम्स दे सकते हैं हम किस लेवल तक की चीज़ों को समझ सकते हैं सबको अपना अपना मेंटल एबिलिटीज पता होती है तो ये होता है मेटा कॉग्निशन जिसमें कोई भी पर्सन अपने ही लैंग्वेज अपने ही लेवल के बारे में बात करता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दूसरी स्टेटमेंट कहती है न्यूमैनिक्स इज़ दी नॉलेज अबाउट आर ओन थिंकिंग प्रोसेस तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि न्यूमैनिक्स अपनी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होती है ये चीजें क्या होती है ये आपकी जो भी लैंग्वेज से अब देखो किसी भी बच्चे को छोटे बच्चे को पोयम के थ्रू सॉन्ग्स के थ्रू चीजें याद करवाई जाती है तो उनको समझना आसान होता है तो न्यूमोनिक्स जो है वो बेसिकली आपके वर्ड्स आपके फ्रेजेस आपके सेंटेंसेस को कैसे इजी वे में आप समझ सकते हो उस चीज पर फोकस करता है सो so, न्यूमिक्स बेसिकली एक सीमेंटिक स्टडी होती है स्टडी होती है वर्ड्स की सेंटेंसेस की एंड फोकस किया जाता है कि वर्ड्स को कैसे इजी वे में किसी को किसी के सामने प्रेजेंट किया जाए तो इसीलिए स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है ओके करेक्ट आंसर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडिया इंटरएक्टिविटीज एक्सपीरियंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट रिलेशन रिलेशनशिप्स अब मीडिया क्या होता है अब हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के समय पे सोशल मीडिया सोशल मीडिया में आप किसी दूसरे पर्सन से जुड़े हुए होते हो आप बहुत से लोगों से बात करते हो इसमें यह कहा है कि मीडिया इंटरेक्टिविटी जो है डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट रिलेशन के साथ काम करती है तो ये आता है आपका टेक्नो सोशल के अंदर टेक्नो सोशल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी आप लोग देखो घर पे बैठे हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट मीडिया मोबाइल इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो और सोशल सामाजिक रूप पे लोगों से जुड़े हुए भी हो घर से बाहर निकले हुए भी इतने इतने सालों से लोगों से पर्सनली नहीं मिले हो लेकिन मीडिया के थ्रू सामाजिक तौर पर लोगों से मिले हुए हो जुड़ते हो तो ये टेक्नो सोशल इज द करेक्ट आंसर हेयर

ठीक है स्टेटमेंट टू बोलती है विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि आप इंटरनेट और ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेट करते हो इसमें बोला है मैसेजेस डू नॉट रिक्वायर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन तो ये कह रहे हैं कि दोनों तरीके से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उसमें समाजीकरण और संप्रेषीयता अच्छे तरीके से बातचीत करना को इंक्लूड नहीं किया जाता तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वन सही है स्टेटमेंट Do, गलत है सिंबल्स इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन देखो condensation symbols क्या होते हैं? कम्युनिकेशन uh, में राजनीतिक जो भाषा होती है उसमें सिंबल्स को बहुत ज्यादा लेवल पर यूज किया जाता है इसमें नेम वर्ड फ्रेजेस मैक्सिम्स ये सब चीजें जो है इनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है ठीके? अब देखो भाषण जब नेता लोग देते हैं तो वो क्या करते हैं जिस मुद्दे पर लोग परेशान होते हैं वो वैसे, वैसे वैसे वादे करते हैं जैसे कहीं बोलेंगे बेरोजगारी से बहुत युवा परेशान है तो नेता लोग क्या करेंगे भाषण में अपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो वो होते हैं कंडेंसेशन सिंपल्स कि उनकी जो वीकनेस है ऑडियंस की उनको कैप्चर करके वोट अपनी तरफ खींच लेंगे तो ये क्या है एवोकेटिव इसको कहा जाता है विचारों तेजक इसको कहा जाता है कि ऐसे-ऐसे मुद्दे होंगे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ऑफ इंटरनेट हैज फेल्ड टू डिस्प्लेस द इंस्टीट्यूशनल स्पेस इन अ सोसाइटी इवन एन आयोटा स्टेटमेंट 2 बोलती है इंटरनेट कम्युनिकेशन हैज ब्रोकन डाउन द हायरार्कीज ऑफ रेस एथ्निसीटी एंड जेंडर सो देखो इसमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुके हैं इंटरनेट के थ्रू हम बातचीत करते हैं उसने पुराने जो इंस्टीट्यूशन और लोग मिलजुल कर बैठ कर बातचीत किया करते थे वो सब चीज़ों को खत्म कर दिया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट टू ट्रू है क्योंकि इंटरनेट कम्युनिकेशन ने ब्रेक डाउन कर दिया है लोगों की Uh, जातीयता को लिंगवाद को और ये सब चीजों को ऐसा तो नहीं हुआ है थोड़े बहुत लेवल पर हुआ है लेकिन ठीक है तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट इज वेन पीपल मेटा कम्युनिकेट दे आर सेंडिंग मैसेजेस अबाउट वॉट सो दे आर सेंडिंग मैसेजेस अबाउट मैसेजेस अब मेटा कम्युनिकेशन मेटा का मतलब होता है किसी के बारे में अब जैसे इंडेक्स है आप लोग इंडेक्स में आपको पूरा चैप्टर तो नहीं मिलेगा लेकिन इंडेक्स आपको बताता है कि मेन चैप्टर कहाँ है सो so, इंडेक्स क्या हुआ इंडेक्स को हम मेटा डेटा बोल सकते हैं एक ऐसा डेटा जो कि हमें असली डेटा तक ले जाता है सो मेटा कम्युनिकेशन जब लोग भी ऐसे बातचीत करते हैं तो वो बेसिकली मैसेज ही किसी को डिलीवर कर रहे होते हैं

ठीक है मास मीडिया मास का मतलब होता है मास का मतलब होता है आम आदमी अब मास मीडिया मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत से लोग खुले में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि एक पर्सन भाषण दे रहा है नीचे पूरी दुनिया उनको सुन रही है कोई सामने बैठकर सुन रहे हैं कोई इंटरनेट पे सुन रहे हैं कोई टीवी के थ्रू सुन रहे हैं ठीक है सो मास मीडिया जो होता है वो प्रो पीपल है बिल्कुल गलत है मेजर क्रिटिसिज्म पूछा है तो ये उसमें नहीं आता प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर इंडस्ट्री आर स्टैंडर्डाइज्ड ठीक है जो सांस्कृतिक उद्योग होते हैं वो हमेशा चलते हैं बिल्कुल सही है द द आर डिवॉइड ऑफ एस्थेटिक मेरिट करेक्ट कल्चर इंडस्ट्री डज यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन बिल्कुल सही अवॉइड मेसिफिकेशन ऑफ कल्चर ये गलत है सो करेक्ट आंसर इज बी सी एंड डी ओनली नेक्स्ट इज द बुद्धिस्ट आर्ग्यू दैट कंस्ट्रक्शन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो हमेशा यही तर्क देते हैं कि वास्तविकता को भाषाई निर्माण के रूप में समझा जाना चाहिए कि जो एक्चुअल चीजें आपके पास हो रही जो वास्तविक में चीजें आपके सामने हो रही हैं उनको समझने के लिए भाषाई निर्माण के रूप में उसको समझना चाहिए लैंग्वेज के जरिए उसको समझना चाहिए स्टेटमेंट बोलती है कि आजकल का जो समय चल रहा है वी कैन दैट रियलिटी इज अ मीडिया कंस्ट्रक्ट कि जो सत्य है वो एक्चुअल में सत्य नहीं होता मीडिया न्यूज़पेपर या फालतू के वीडियोस उन चीजों को आगे बढ़ावा देते हैं तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों की दोनों नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज और देखो मैंने अभी आपको क्या बोला डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा जैसे कि दिया सो यहाँ कम्युनिकेशन इतना बेसिक क्वेश्चन है ये एज इज एग्जाम में आया था अभी रिसेंट एग्जाम में इस so, क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू समर्ट लाइक मार्शल मैथलूहान दॉलोविंग आर कंसिडर्ड एज हॉट मीडिया अब इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली कहा है कि मार्शल मैक्लूहान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि है हॉट मीडिया मीडिया से से रिलेटेड मास एंड सोसाइटी नाम के टॉपिक ये क्वेश्चन पूछा गया है सो हॉट मीडिया एक ऐसा मीडिया माना गया है कम्युनिकेशन में जो कि किसी भी इंसान की जितनी भी सेंसेस हैं उन सब को एक्टिवली यूज करता है ठीक है अब हमारे में जितनी भी सेंसेस है उनको एक्टिवली यूज करता है इसीलिए इसको हाई डेफिनेशन कम्युनिकेशन मीडिया भी कहा जाता है ओके सो जैसे हमारे पास हॉट मीडिया है वैसे ही कूल मीडिया भी होता है सो हॉट मीडिया में आ जाता है रेडियो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉट मीडिया का रेडियो और फिल्म फिल्म का मतलब हो गया सिनेमा रेडियो और साथ ही यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया को भी यूज करते हैं सो so, इसमें करेक्ट आंसर है सी डी एंड ई ओनली ओके जैसे अगर हम रेडियो की बात करें ये क्या करता है हमारे वन सेंसेस को किसी एक यूजर के किसी सेंस को यूज करता है एंड मिनिमल पार्टिसिपेशन यहाँ पर किसी भी पर्सन की होती है तो ये हॉट मीडिया है कुल cool मीडिया में आ जाएगा आपका टेलीविजन एंड टेलीफोन ठीक है टीवी मोबाइल फोन कन्वर्सेशन कॉमिक बुक्स जो होती हैं ये सब आपकी कूल cool मीडिया में आती है ये किसी पर्सन की सेंसेस को कम लेवल पर यूज करती है इसलिए इसको कूल cool मीडिया कहा जाता है आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बस कॉमेंट कर दीजिए मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी ठीक है नेक्स्ट इज द साइंस ऑफ studying the feedback system in humans, animals and machines is described as फीडबैको so, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है साइबर नेटिक्स ठीक है साइबर क्या होता है जो भी आपका circular, कैजुअल processes होती हैं। अब फीडबैक क्या होता है जैसे मान लीजिए एज अ टीचर मैंने आपको कुछ पढ़ाया उसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट्स को वो चीज समझ आई या नहीं आई आपने उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे मैंने फिर वो चीज आपको समझाई फिर आप मुझे फीडबैक दे रहे हो कि यह सभी क्लियर है तो ये क्या हो रहा है एक सर्कुलर कैजुअल प्रोसेस है जिसको फीडबैक कहा जाता है तो कभी भी हम फीडबैक की बात कर रहे होते हैं तो उसको साइबरनेटिक्स का नाम दिया गया है कम्युनिकेशन में ये अपने आप में ही एक इतना इम्पोर्टेंट टर्म है कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में ठीक है Next question is डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज आज अ सो डी सॉसर नाम के एक साइंटिस्ट uh, थे उन्होंने लैंग्वेज के लिए टर्म यूज की है वो लैंग्वेज को क्या कहकर बुलाते थे तो वो हमेशा लैंग्वेज को प्रोफ्यूशन ऑफ साइंस यानी कि संकेतों की प्रचुरता के नाम से कहते थे ठीक है सो यहाँ पर देखो डायरेक्टली uh, ये नाम दिया गया है लैंग्वेज को वो लैंग्वेज को लैंग्वेज नहीं प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस का नाम देते दे थे ठीक है अब जैसे यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफ्स को फोटोग्राफ्स को क्या नाम दिया गया था सो so, फोटोग्राफ्स को इंडेक्सिकल कहा जाता है फोटोग्राफ्स को इंडेक्सिकल कहा जाता है वैसे ही एक टर्म और होती होती है है आइकॉनिक आइकॉनिक और एक टर्म सिंबॉलिक। सो so, को कहा जाता है इसको कहते हैं। ओके okay, सो so यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है सॉरी आइकॉनिक को फोटोग्राफ्स कहते हैं तो उसके बाद आता है इंडेक्सिकल इंडेक्सिकल को कहते हैं स्मोक राइट right? एंड अगर सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स क्या होते हैं लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के एंड प्रोफ्यूजन ऑफ साइन होता है लैंग्वेज तो ये चार टर्म्स आपको याद रखनी है ये 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें एज इट इज पूछी गई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर दर द्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन सो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया जो है उसको कहा जाता है

एनालिसिस इसको कहा जाता है ठीक है डिनोट करना यानी कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना ऐसे याद रखिए सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सिमिलर क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था उसमें कहा था इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स हैव व्हाट सो डिनोटेशन और कोनोटेशन सेम होता है सो so,

डिनोटेटिव और कॉमन मीनिंग अब देखो किसी चीज का कोई जनरल मीनिंग है लेकिन कल्चरल मीनिंग उस चीज का कुछ और हो सकता है तो उसको कॉनोटेटिव कहते हैं ओके एंड कम्युनिकेशन में ये बैरियर होता है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है तो बैरियर्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन तो ये आपको जरूर डिटेल में पढ़कर जाना है ठीक है नेक्स्ट इज

फ्रेश मीडिया है यूट्यूब है, बहुत इंटरनल लेवल तक यूजर को उसमें एक्सेस की पावर होती है ठीक है इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस अब रेडियो सुन रहे हो तो आपके सिर्फ कान बिजी है आंखें जाए बंद करके सुनते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाईज यहाँ पर होती है Next is a cool medium has features of, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में आए थे ऐसे ही होता है ठीक है इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि कैसे पूछा जाता है ठीक सो कुल मीडियम क्या हो गया इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन tends नॉट टू बी सप्लीमेंटेड by हॉट मीडिया ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है

दो करना है अगला ऑप्शन बोलता है इन कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स टू सी इफ देअर मीन्स यानी कि दो ग्रुप नहीं दो से ज्यादा ग्रुप के अगर मीन्स हमें कंपेयर करने हैं और चेक करने हैं क्या उस केस में हम स्टूडेंट्स के टी टेस्ट को यूज करेंगे तीसरा बोलता है इन टेस्टिंग द स्टेशनैरिटी ऑफ अ टाइम सीरीज यानी कि किसी समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में कोई देखना है कि स्थिर है कोई समय का टेस्ट या फिर नहीं उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है या फिर इन टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मॉडल तो यहाँ पर देखो कल अगर आपने थ्योरी सेशन देखा है तो आपको पता होगा जहां पर भी टी टेस्ट होता है टी से का याद रखिए टू टेस्ट टू का मतलब है कि सिर्फ दो ग्रुप्स को यहां पर कंपेयर किया जाता है सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है ऑप्शन नंबर वन टी टेस्ट मतलब टू टेस्ट यानी कि दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जा रहा है चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रुप हो चाहे वो कोई और ग्रुप हो बस दो की यहाँ पर बात की जाती है तो वो टी टेस्ट ही होता है ओके okay, अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी सेशन नहीं देखा है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं मैंने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसको चेक जरूर कीजिएगा इसी के साथ फिर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 में एज इट इज पूछा गया था टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि क्रुस्कल वेलीज टेस्ट जी टेस्ट अनोवा टेस्ट और काई स्क्वेयर टेस्ट और दूसरी तरफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम ओके सो देखो यहाँ पर अनोवा टेस्ट हम लोगों ने कल अनोवा टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ लिया था ओके काय स्क्वेयर टेस्ट को भी पढ़ लिया था काय स्क्वेयर टेस्ट का एक मैं आपको ना छोटा सा ट्रिक बताती हूँ एक छोटा सा कीवर्ड बताती हूँ कि कहीं पर भी काय स्क्वेयर टेस्ट अगर दिख जाए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है कहीं पर भी काय स्क्वेयर परीक्षण अगर दिख जाए आप लोगों को तो उसको फिट की अच्छाई का परीक्षण करने के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के साथ हमेशा मैच करना है कहीं पर भी गुडनेस ऑफ फिट ये टर्म आपको नजर आती है तो बिना सोचे समझे बिना कंफ्यूज हुए आप डायरेक्टली उसको काय स्क्वेयर टेस्ट के साथ मैच कर सकते हो ओके सो डी को अगर हम थर्ड के साथ मैच करते हैं देखो ये की से हमने डायरेक्ट आंसर ढूंढ लिया ऑप्शन नंबर वन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं देखो जी टेस्ट क्या होता है

ओके, जी टेस्ट में भी दो ग्रुप है टी टेस्ट में भी दो ग्रुप है लेकिन जी टेस्ट बेसिकली इनके रिजल्ट पर फोकस करता है टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसके कंपेरिजन पे फोकस करता है एंड दो से ज्यादा ग्रुप्स की अगर बात की जा रही हो तो गो फॉर अनोवा टेस्ट ओके okay? एंड क्रुस्कल रिलीज टेस्ट क्या होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन ग्रुप इसमें कंपेयर किया जाता है दो या दो से ज्यादा बड़े ग्रुप्स के रिजल्ट को उनके को ओके सो मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों के साथ और शेयर कर देना चाहती हूँ अनोवा पढ़ रहे हो ना आप लोग अनोवा का मतलब क्या होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस analysis of variance ठीक है ये क्या होता है ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है कुछ टेस्ट हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक होते हैं कुछ पैरामीट्रिक होते हैं सो so, अनोवा टेस्ट हमेशा एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है मतलब कि इसका कुछ पैरामीटर्स डिसाइडेड होते हैं पहले से ठीक है जो कि दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सो so, देखो इसे क्वेश्चन से आपके चार पॉइंट्स क्लियर हो गए जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट एग्जामिनस दी इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स दो मीन्स की दो साधनों की समानता की जांच करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट का यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है सो देखो एफ टेस्ट टी टेस्ट काई यू टेस्ट और टेस्ट मैन यू और ठीक है so, सो ज्यादातर आपको इन तीन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी एंड डी यानी कि टी टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट ठीक है so, सो ये पूछे जाते हैं तो सबसे पहले टी टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है एंड डिटरमाइन करता है हमें बताता है कि ये एक दूसरे के साथ क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से क्यों अलग है उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है इसको हम लोग विलकोनोक्स रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं रैंक सम टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है एफ टेस्ट जो होता है ये आपका अनोवा टेस्ट से जुड़ा होता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कई बार पूछा जा चुका है एंड ये है, जैसे देखो लिखते हैं वैसे ही अनोवा टेस्ट को एफ टेस्ट भी लिखते हैं सिंपल एफ भी आप इसको बोल सकते हो ओके सो आंसर आपको मिल गया अगला क्वेश्चन है इन कंडक्टिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब क्या हो गया अभी मैंने बताया इसका मतलब है अनोवा टेस्ट वन वे एनालिसिस की सिर्फ एक ही तरफ से एनालिसिस हमें करना है डिफरेंट वेरियंसिस का तो वहां पर एफ टेस्ट को यूज किया जाता है

हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं so, देखो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि हाइपोथी होता क्या है हाइपोथी परिकल्पना करना या फिर उसको गेस करना भी हम बोल सकते हैं अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में लिखा हुआ है कहीं पर मिलेगा नहीं आप लोगों सिलेबस में अगर देखना है तो आप देखो स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिखा होगा रिसर्च का ही एक स्टेप आ जाता है

कौन सा जो इन्होंने आइडिया दिया है वो मुझे मेरे सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा तो ऐसे केस में ये जो दो रास्ते हैं इसको हम हाइपोथिस बोल सकते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है एक आइडिया हमारे पास है लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस आइडिया को टेस्ट करें कैसे इस आइडिया को चेक करें कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन देकर ही रहेगा किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगा तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है रिसर्च में हाइपोथीसिस रिसर्च में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हम उठाते हैं या आगे आ, आगे आने वाले समय में हम प्लान जो करते हैं क्या वो प्लान हमें बेस्ट सोल्यूशन देगा ये हमें हाइपोथीसिस मदद करता है जानने में ओके okay. तो ये चीजें समझ आ गई तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे सो हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइबड एज जस्ट अ जस्ट एज अ हंच एक अनुमान की तरह ही होता है ये अ वाइल्ड गेस एक बेतुका अनुमान इसको कहा जाता है अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर देयर रिसर्चस में कहा है कि एक ऐसा रिसर्चर की ट्रिक होती है जिसमें वो अपनी शोध के लिए किसी से फंड यानी कि धन की थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं तो उस समय हाइपोथी यूज किया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोडिक्शन ऑफ सम रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ स्टडी कि जो हम पढ़ रहे हैं भविष्य में वो हमें क्या सही सॉल्यूशन देगा जो आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं कि क्या वो हमें सही राह में पहुंचाएगा ये होता है हाइपोथीसिस तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च परिकल्पनाएं क्या होती हैं जो करंट रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए पढ़ना क्या ये स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स चर के बीच अनुमानित संबंधों के विवरण को क्या हम रिसर्च हाइपोथीसिस बोलते हैं सच स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कन्फर्म और रिफ्यूटेड ठीक है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एक रिसर्चर अपने हिसाब से कन्फर्म भी कर सकता है यानी कि उसकी पुष्टि भी कर सकता है और उसका खंडन भी कर सकता है अगर उनको वो चीजें सही नहीं लगती हैं ठीक है अभी हमने पढ़ा था इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक रिसर्चर के हाथ में होता है सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है एंड दो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं कोई पर्सन हो सकता है कोई बुक हो सकती है कोई डेटा हो सकता है उनके बीच में रिलेशनशिप का अनुमान लगाना और मैंने आपको पहले बताया था कि रिसर्च हाइपोथीसिस का मतलब है गेस करना होता है तो प्रोडिक्शन का भी वही मतलब है सो so इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन सो जब भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो कौन सी वो एक ऐसी स्टडी है एक ऐसा मेथड है जहां पर इसको फॉर्मुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती सो so, इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल स्टडी अब देखो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है है ना अब इसमें तो हम अनुमान लगा के क्या करेंगे अगर मैं बोल दूं कि झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा उनको ये हाइपोथिस ये परिकल्पना कर लेनी चाहिए तो अब तो उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अपना झांसी की रानी है ना उनका युद्ध है तो हिस्टोरिकल स्टडीज जो होती है ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है रिसर्च के दौरान उसमें परिकल्पना के निर्माण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती अगला क्वेश्चन है एन एजुकेटेड गेस अबाउट वट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड ठीक है किसी व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज के बारे में शिक्षित अनुमान कहलाता है क्या कहलाता है हाइपोथी कहलाता है शिक्षित अनुमान होता है हवा में तीर नहीं मारने होते हैं एक नॉलेजेबल अनुमान होता है ऐसा नहीं है कि बस हमें गेस करना है हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है कुछ भी कर लो ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए अगला है बहु परिकल्पना पर कार्य करने की विधि का उपयोग करना सर्वोत्तम है ठीक है सो कौन सा वो मेथड है ये है वाइल्ड प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी सो जब भी हम अपनी अपने शोध अध्ययन की योजना बना रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारे हाइपोथी के ऊपर काम किया जाता है ओके okay? अगला है ये देखो जून टू थाउजेंड पुराना क्वेश्चन है तो क्या करे यही क्वेश्चंस बेसिक होते हैं और थियोरी लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सो नल हाइपोथीसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथी में रिसर्चर्स जो शोधकर्ता होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं ये करते हैं काई टेस्ट का टेस्ट उपयोग जिसको एक्स स्क् के नाम से नहीं होगा ये एक्स टेस्ट अनोवा टेस्ट ये सब हम टेस्टिंग इन रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो में दो दिन पहले बना चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको जरूर देख लीजिएगा ठीक है वहां पे ये हमने डिटेल में पढ़ा है हाइपोथिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन हाइपोथिस को का जो कथन है वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता ये जनरल टर्म्स में नहीं किया जा सकता ठीक है सामान्य शर्तों के बेसिस पे इसको नहीं स्टेट किया जा सकता है नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस इंक्लूड इन अ रिसर्च हाइपोथेसिस सो रिसर्च हाइपोथेसिस कौन से रिसर्च टाइप में लीस्ट लाइकली टू यूज होता है मतलब तो बहुत कम संभावना होती है उसको इस्तेमाल करने की तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव अब देखो जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं आगे क्या काम करना है क्या स्टेप्स करने हैं हैं फॉलो वो नहीं देते देते सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन बस लिख कर, बोल कर, पढ़ा कर बता देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्च हाइपोथीसिस के बहुत कम चांसेस होते हैं इंक्लूड करने के और वहीं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें उधर तो हाइपोथीसिस को फॉर्मुलेट यानी कि उसको बनाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2009 में पूछा गया था एंड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं ईयर नहीं बता रही हूँ ये वो क्वेश्चन है is, किस आधार पर हम धारणाएं बनाते हैं किस आधार पर धारणाओं को तैयार किया जाता है तो ये तैयार किया जाता है जिस भी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हो

नल हाइपोथीसिस क्या होता है सो वेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स नल हाइपोथी बोलते हैं ना कि हमेशा दो चीजें बराबर होती हैं नल के अकॉर्डिंग ए हमेशा बी के बराबर है नल नल का मतलब होता है खाली देखो शून्य शून्य का मतलब है जीरो मतलब ये बोलता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है हर चीज हमेशा समान है ए बी के बराबर है ये बोलता है पांच तीन के बराबर है ठीक है सो नल हाइपोथीसिस हमेशा यही बोलता है एंड जहां पर जब भी हम नल को एक्सेप्ट करते हैं नल को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हमेशा ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे तो ये हाइपोथी में नल और ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं एंड आपको अगर वो वीडियो अभी तक नहीं मिल रही मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो नहीं मिल रही है मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि इन सभी क्वेश्चंस के बेस पर है इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है एंड अगर आपका आंसर सही है या गलत है या आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके बता दूंगी ओके सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट